वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और नया साल आप लोगों के लिए नई उपलब्धियां लेके आए और आप सबकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। और यहाँ पे मेरी भाभी हैं, रेखा भाभी, तो उनको मैं विश करी थी। देखिए, हाय, लेकिन नहीं गई थी। नहीं, मैं बोली थी गए नहीं, बोला कि भाभी हमको तो मैं नहीं गई गाइस, ये बोली थी। उनका मन नहीं करता है घूमने के। नहीं, घूमने का मन करता है भाभी, घूमने का मन करता है, पर आज नहीं गए गाइस, बस ऐसे ही। हमें पता नहीं था आप कब जा रही हैं। आपको हम 4-5 दिन पहले बोले थे दीदी, चलिएगा सब खट। अब अगली बार से जो पक्का चलेंगे, ठीक है? पक्का इनका पक्का धक्का हो जाता है। अगली बार से पक्का चलेंगे, ठीक है? ठीक है, अच्छा बात है। अच्छे से घूमा? बहुत भीड़ था। क्या किए? बहुत ज्यादा भीड़ था, चप्पल हम लोग के खो गया था। चप्पल ढूंढते घूम फिर के आ गए हैं और मंदिर में गए थे खाटू श्याम के, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। हम तो मिस कर दिए ना गाइस, कोई बात नहीं, फिर चले जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम, इसी साल महीने में पूरे टाइम जाते हैं। और गाइस, ये तो इंग्लिश वाला है ना नया साल, हम लोग का तो नया साल चैत्र के नवरात्रि से शुरू होता है, तो जब मानिए तब नया साल है कि नहीं भाभी? सही बात है ना। और कैसा फील हो रहा है जी? बहुत सुंदर फील हो रहा है जी, घूम के देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। भाभी जी घूम फिर के आई है, देखा भाभी, और एक डॉली भी है। आप देखिए कहाँ गई थी डॉली? खाटू श्याम मंदिर गए थे, बहुत ठंड लग रही है, बट अरे हीटर का हवा ले लो। देखिएगा, हीटर लगा दिया। रेखा भाभी कैसा फील हो रहा है घूमने के बाद? भाभी कैसा फील हो रहा है? मजा नहीं है, तो बहुत ज्यादा भीड़ और ठंड भी उतना ही। आप यहाँ आए तो चाय भी मिल गया, सलाह चाय अभी बन रहा है भाभी, मिल रहा है भाई। भाभी अभी चाय बन रही है, आपको ओहो। देखिए गाइस, डॉली आज पहचान में आ रही है, वही डॉली है, वही डॉली है। देखिए सुंदर लग रही है ना, कमेंट करिए। आपको एक दिन ब्लॉग में दिखाई थी ना, वही डॉली है, हम लोग की ननद, वही डॉली है। तो चाय बना रही हूँ डॉली, ठंड लग रही है ना बहुत ज्यादा, हीटर के आगे बैठे हैं। बस चाय बना रही हूँ भाभी, चाय पी लीजिए, ठंड चली जाएगी। हाँ, आप लोग को देख के तो मुझे को खुशी हो रहा है कि मैं क्यों नहीं बाजार, मैं क्यों नहीं घूमने गई। गाइस मैं जाती तो मैं तो बर्फ हो जाती, मुझे तो ऐसी बहुत ठंड लगती है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। और गाइस आप सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, नया साल आपके जीवन में खुशियां लेके आए। हेलो गाइस, तो रात के बज रहे 8 और यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को खाना वाना खिला दिया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आराम कर रहे हैं। देखिए गाइस आ गए हैं जल्दी आज। हाँ जी, हेलो करिए, उठिए। अरे हैप्पी न्यू ईयर तो आप बोल रहे नहीं, चलिए उठ के बोलिए, उठ के बोलिए ऐसे नहीं, अच्छा वाला हैप्पी न्यू ईयर। गाइस आज इनकी तबीयत खराब हो गई है, आज पता है इनको ना क्या हुआ, आप खुद बताएं, खुद बताइए। ठंड लग गई। और क्या हुआ गाइस, इसको यूट्यूब बच्चे को क्या हो गया है? मत करो, ठंडा लग रहा है, मत करो, अच्छा ठंड लगता है। ओहो, तो इनको लूज मोशन हो रहा है गाइस। आज मेरे हस्बैंड जी को नए साल के दिन गाइस तबीयत खराब हो गया है, मुंह पे किसको ठंड लगती है? मत करो, मत करो, मत करो, ठंड लगते बोलो, मत करो, ठंड लगती है। गाइस कैसे कर रहे हैं ना, मैं आज इनको ही दिखाऊंगी बुला रहा। देखिए मेरा प्यारा गुड्डा गाइस, तबीयत खराब हो गया, तो आप आराम करिए। देखो 1-2 ये थी, ये रात में ये दवा नहीं थी, ये भी बाहर थी लिफाफे के, नहीं वो निकली थी यही तो है। खा लीजिए जब कह रहे तो, खाली पेट वाली तो आपने खा ली है ना? मेरे पास है। कौन कौन दवा? मैं क्या बोला, मैं पढ़ लिया। क्या बोल के लाए? मैं अभी नहीं बोल सकता, बोल दिया जो आप बोले, 3 चीज थी वो बोल दी। एक खाना है, एक ही खाना है? पहले 3 खानी है, वो बाद में खानी है, रात की है।
जैसा दवाई लाने वाला वैसा दवाई खाने वाला गया है। बोला गैस की तो आप खा चुके हो ना, गैस की थोड़ी ना है। भाई देखिए इन लोग का बात है। बोला एक बार बस खाओगे ये पेट की फिर दुखने वाली पेट ठीक करने वाली बाकी पानी दे रहा। अरे वाह पापा सोए सोए पानी पी रहे मस्त। दीदी दवाई चली गई है चारो। पापा ने देख दवाई खाई चारो खाई। अच्छा तब आप आराम कर। तो गाइस ये मस्त दवाई खा के सो रहे पर अब दवाई पूरी खा लीजिए। लाइट थोड़ा वो कर दो नहीं तो ठीक नहीं होगी। ठीक है किचन में आई तो अभी देख सकते हैं आप लोग कितना सारा बर्तन यहाँ पे पड़ा हुआ है और मुझे धोना है। तो मैं सोच रही हूँ ना बर्तन पड़े हुए पहले इसको धो देते हैं उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो गाइस मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए थे और रात में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे नाश्ता खाना वगैरह होता रहता है ना तो बहुत बर्तन हो जाता है तो बर्तन धो देते हैं रात में ही पूरी तो सुबह अच्छा रहता है। तो खाना वाना हमारा बन गया था बर्तन पूरे साफ़ कर देती हूँ और इसके साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गाइस जय माता दी। Bye-bye.